पाकिस्तान तो G20 का मेंबर ही नहीं है, पाकिस्तान आपके पास कुछ है ही नहीं, आप कहाँ से बैठ जाएंगे। ये चौधरी लोगों की मीटिंग हो रही है, समझ रहे हैं ना। तो मैं आपकी भाषा में बोलूं तो यहाँ कमी क्या करेंगे, आप समझिए इस चीज को। जो मेजर बेनिफिट होने वाले हैं वो आपको, जैसे इस बार का जो मोटो है G23 का जो भारत ने दिया है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है ना, दिस इज द थीम। और इस थीम के अंदर में जो है सिर्फ इंसान ही नहीं, मानव जीव जंतु एनिमल प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरकनेक्टनेस सब चीज पे है, आप समझ रहे हैं। सो लीडर्स डिक्लेरेशन होगा एट द कंक्लूजन, जो उसमें कि ये सब बातें की जाएंगी कि कैसे हम इंक्लूसिव अपने पैसे का, शक्ति का, ज्ञान का इस्तेमाल करके बायोडायवर्सिटी हो, मरीन लाइफ हो, ह्यूमन लाइफ हो, सबको कैसे बेहतर बना सके, यही फायदा हो। G20 हो लेकिन ये रिप्रेजेंट करते हैं 80% ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ को, आप समझ रहे हैं, 20 कंट्री मिलकर के। तो ये यहाँ पे डिसीजन होंगे, जो ये डिसाइड करेंगे वही दुनिया का मुस्तकबिल होगा, आप ऐसे समझ लें इसको, ठीक है ना। जो डिसीजन ये लेंगे वही डिसीजन आपके और हमारे ऊपर लागू होंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हिंदुस्तान अब उस डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। G20 से पहले ये डिसीजन होते थे यूरोप के कंट्रीज में बैठ के, जब वो अपनी यहाँ बैठे बैठे हमारे यहाँ पे लाइन खींचते थे, कंट्रियां टूट जाती थी, बन जाती थी, ये पावर वो इस्तेमाल किया उन्होंने, हमारे हमारे आपके बीच का डिवीजन उन्होंने किया है, ठीक है ना। तो उन्होंने वहां रेड क्लिप, कभी इंडिया नहीं आया, उसने जो है बाउंड्रीज खींच दी और आप पाकिस्तान बने बिना आए हुए, ऑन द मैप ही क्रिएटेड समथिंग, सोचिए, दैट इज द पावर दे हैव एक्सरसाइज ऑन अस। हम उस टेबल पे कभी थे ही नहीं, हमारा उस टेबल पे पिछले जो 400 साल का है समय, उसमें कोई हिस्सा नहीं था डिसीजन मेकिंग में, कि दुनिया के ये जो 8 करोड़ लोग हैं, ये बेचारे कमजोर लोग हैं, इनका डिसीजन मुश्किल से 100 लोग करते हैं, उनका मुस्तकबिल का डिसीजन 100 लोग करते हैं, जो डिसाइड कर देंगे वही उनकी मुस्तकबिल हो जाए। और वो डिसीजन अब इंडिया में हो रहा है, या इंडिया में हो रहा है, और एसेंशियल पार्ट ये है कि अब उस डिसीजन मेकिंग का इंडिया पार्ट है, और एक महत्वपूर्ण पार्ट है, कोई छोटा मोटा पार्ट नहीं है। यानी इंडिया अगर नहीं चाहेगा तो वो डिसीजन नहीं लिए जा सकते। तो अगर आप देखें जो एजेंडा है, ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस, लाइफ एक्सेलरेटेड एंड इंक्लूसिव रीग्रोथ, एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये एजेंडाज हैं, इसको डिसाइड किया जाएगा, और इसके ऊपर ये होगा कि भाई कैसे आगे की जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो फंक्शन करेगा। मगर आप किसी भी वेस्ट वाले से पूछेंगे ना अली, तो वो बोलता है कि 21st सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स ये इंडिया की सेंचुरी। 800 साल आपने ये बहुत सुना, हमने इंडिया पे हुकूमत करी, हमने इंडिया पे ये करा, इनको ये मारा वो पीटा, अब वक्त का पहिया बदल गया, ठीक है ना। नाउ इट्स टाइम फॉर इंडिया। सो G20 रिकग्नाइजेस दैट। G20 को भी पता है कि बिना इंडिया के कुछ नहीं हो सकता, सारी दुनिया में है। G20 के पावर कहाँ से आता है कि ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री ग्रुप है, सबसे रिचेस्ट कंट्री यहाँ आके बैठते हैं, और आने वाले समय में 20 साल, ज्यादा दूर भी नहीं, 20 साल इंडिया, चाइना और अमेरिका वर्ल्ड की जो है 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज होंगे, सारे के सारे 15-15 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर की इकोनॉमी होंगे। तो आप सोचिए, चाइना तो इट डजंट गेट अलॉन्ग विद अमेरिका और एनीवन, बट इंडिया एंड अमेरिका गेट अलॉन्ग। अमेरिका को भी समझ में आ गया है कि आप ये सदी अमेरिका, क्योंकि दुनिया को ये बताने वाले कि ये सदी हम इंडिया की है, ये भी अमेरिकन ही है, ठीक है ना। हमारे अलावा दुनिया को ये बताने वाले भी अमेरिकन है, जेफ बेजोस हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, मूडीज हो गया, जितने भी उनकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि द कमिंग एरा, कमिंग सेंचुरी बिलोंग्स टू। तो अब अगर आप ये सोचें कि इंडिया, चाइना और अमेरिका top 3 इकोनॉमीज हैं, एंड अमेरिका को ये पता है कि बिना इंडिया के अब कुछ नहीं हो सकता, एंड इंडिया इज अ क्रूशियल डिसीजन मेकर, तो इंडिया और फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पज, वेस्ट के अपने जो भी वो हों, लेकिन वेस्ट की जो वैल्यूज है वो इंडियन वैल्यूज से वो करती हैं, कोइंसाइड करती हैं। तो आप सोचिए, इंडिया और चाइना की इकोनॉमी जब क्लब हो जाएगी, इंडिया और अमेरिका की, तो चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। और चाइना जिस तरीके से अपने लोगों को गवर्न कर रहा है, CCP के तरीके से लोगों को दबा करके, उसका फ्यूचर नहीं है। तो डेमोक्रेसी आज नहीं तो कल वहां भी आनी है, फ्रीडम वहां भी आनी है। डेमोक्रेसी का मतलब है कोई भी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हो, मगर लोगों को सोचों पर ताला मत लगाओ, तो वो वहां भी आएगा। सो इट इज गोइंग टू बी, लोग ये नहीं कहते ये चाइना की सेंचुरी है, याद रखिए,
कोई नहीं कहता ये, लोग कहते ये इंडिया की सेंचुरी। मैं आपको ऐसे सैकड़ों स्टेटमेंट दिखा दूंगा क्यों कहते हैं। सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही सब कुछ नहीं होता, इंडिया के पास वो हिस्ट्री है, वो कल्चर है और वो फिलॉसफी है, दुनिया को वही लेके चल सकता है। चाइना शिरकत नहीं कर रहा, पाकिस्तान भी नहीं आ रहा, कितना असर अंदाज़ हो गया। पाकिस्तान तो G20 का मेंबर ही नहीं है, पाकिस्तान आपके पास कुछ है ही नहीं, आप कहां से बैठ जाएंगे। ये चौधरी लोगों की मीटिंग हो रही है, समझ रहे हैं ना। तो मैं आपकी भाषा में बोलूं तो यहाँ कमी क्या करेंगे, आप समझिए इस चीज को। जोक सपाट, हालांकि मैं इन चीजों को मानता नहीं हूँ, जोक सपाट पाकिस्तान को तो अब होश के नाखून लेने पड़ेंगे। कि देखिए, मैं अक्सर सुनता हूँ आपके इंटेलेक्चुअल्स को ना, वो ट्रांजेक्शन को कम्प्लीट नहीं देखते। आपका बड़ा बड़ा इंटेलेक्चुअल आता है जो थोड़ा सा ज्यादा लिबरल भी है ना, वो पहले इंडिया को गाली देगा, फिर उसके बाद कहेगा कि अच्छा ये, वो इंडिया में पहले कमी निकालेगा, उसके बाद की स्टेटमेंट वो क्वालिफाई, वो बोलेगा इंडिया अच्छी जगह लेकिन इसमें ये कमी थी, ठीक है ना। उसके बाद वो स्टेटमेंट, चाइना ने क्यों मना किया है कि मैं शिरकत नहीं करूंगा। मैं उसी पे आ रहा था कि चाइना ने, देखिए अंदर की बात तो मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो तो कोई नहीं जानेगा। जो प्रेस रिलीज होगी कि भाई ये चिनपिंग इसलिए नहीं आए, ये रीजन हो सकता है, हो सकता है कि इंडिया की जो G20 की अध्यक्षता है उसको वो कम करना चाह रहे हो चाइना, बिकॉज चाइना की गवर्नमेंटल लेजिटिमेसी जो है ना आज के जमाने में, चाइना में जो है ना, चाइना को इंडिया का, देखिए इंडिया से पाकिस्तान भी डरता है और चाइना भी डरता है। डरने का मतलब मैं फिजिकल की नहीं बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकल डर। वो साइकोलॉजिकल डर क्यों है, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस एंटी इंडिया है। पाकिस्तान तभी होगा जब वो आपको इंडिया में कीड़े निकालते रहेंगे, जब तक आप पाकिस्तान एक लेजिटिमेट रहेगा। जैसे कहीं पे कुछ एक वीडियो आ गई, वो आप क्या देखो इसलिए हमें चाहिए था, मतलब आप सिर्फ निगेटिव खोजोगे। इंडिया में मोदी जी मुसलमानों को रोजगार दे रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा घर मिला है, वो सब नहीं आएगा आपके यहाँ, ठीक है ना। वो नहीं आएगा, जो कि 90% है, जो टिप ऑफ द आइसबर्ग जो आपको दिखाया जाता है वो सच्चाई नहीं है, लेकिन 90% ये है कि उनके, अब जैसे निगार शाजी जैसे लोग हैं, वो तो हाईलाइट गवर्नमेंट नहीं किया होगा, किसी को प्रचारित करो, क्योंकि एक काउंटर बैलेंस होना चाहिए प्रोपोगेंडा का। लेकिन आप देखिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ग्राम, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जितना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम सबको मिला, सारे मुसलमानों ने उस पैसे से अपना घर बनाया जिनके पास घर नहीं थे, क्योंकि हम उनको मुसलमान देख के करेंगे। तो भाई अगर एक मुसलमान से बात होगी तो दिक्कत हो जाए, क्योंकि मुसलमान तो कहता है मैं गलत हूँ और मुझे ख़त्म करना उसकी ड्यूटी है, लेकिन हम इंसान देखेंगे और भारतीय देखेंगे तो वो मेरा भाई है, मेरा हिस्सा है। हम उसके बिना, जब भारत डेवलप करेगा तो कोई हिस्सा भारत का डेवलप ना करें, हम कैसे डेवलप हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी उसकी धार्मिक आस्था हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो ये इस तरह के निगेटिव चीज़ें हमेशा आपको दिखाई जाएंगी इंडिया के बारे में, ये है वो है, क्योंकि वो आपको जस्टिफाई करता है, दैट गिव्स यू एन इम्पेटस कि जो हुआ था पास्ट में वो ठीक हुआ है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आसान अल्फाज में ये बताएं कि मेजर जो बेनिफिट्स हैं वो क्या होने जा रहे हैं स्पेसिफिक भारत को, क्योंकि होस्ट भी भारत ही कर रहा है इस सबमिट को और तमाम लीडर्स भारत की सरजमीन पे आएंगे, तो ऑब्वियसली ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह तो हर एक के साथ होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेजर बेनिफिट्स जो है वो भारत क्या गेन करने जा रहा है इससे। देखिए जो मेजर बेनिफिट होने वाले हैं वो आपको, जैसे इस बार का जो मोटो है G23 का जो भारत ने दिया है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है ना, दिस इज द थीम। और इस थीम के अंदर में जो है सिर्फ इंसान ही नहीं, मानव जीव जंतु, एनिमल प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरकनेक्टनेस, सब चीज पे है, आप समझ रहे हैं। सो लीडर्स डिक्लेरेशन होगा एट द कंक्लूजन, जो उसमें कि ये सब बातें की जाएंगी कि कैसे हम इंक्लूसिव अपने पैसे का, शक्ति का, ज्ञान का इस्तेमाल करके बायोडाइवर्सिटी हो, मरीन लाइफ हो, ह्यूमन लाइफ हो, सबको कैसे बेहतर बना सके, यही फायदा होने वाला है ना। आप क्यों मिल रहे हो, क्यों बात करने जा रहे हो, वहां पर चुगलियां नहीं होंगी, अरे वो ऐसा कर रहा है, अरे वो वैसा कर रहा है। वहां पे ये है कि भाई आने वाले 10 साल में इस पृथ्वी को हम कैसा बनाएंगे, सिर्फ मानव की बात नहीं हो रही। आप अगर देखें जो इवेंट का जो मोटो है वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, आप समझ रहे, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये बेसिकली है क्या, ये इंडिया की वही फिलोसफी है जो कहता है अयम बंधुरयम नेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव, आप समझ रहे हैं इसका मतलब, ये हुआ तेरा मेरा करने वाले, हम सब एक परिवार का है। तो यही फायदा होगा कि देखिए अगर मेरे पास कुछ ज्यादा है,
हम आपसे बांट लें। आप समझ रहे, अगर हम सूर्य एक जगह पे बहुत ज्यादा हिस्से में आता है, कहीं पे कम आता है, उसको हम अगर हार्नेस करके उसकी एनर्जी और दुनिया भर में ग्रिड बेल्ट फैला दें, आपका पर्सनल इंडिविजुअल जो कैपेसिटी, आप अगर अर्थ को तोड़ के चलोगे तो रिसोर्सेज का बंटवारा हो जाता है, फिर आपके पास पेट्रोल नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आपको वो खरीदना पड़ेगा। लेकिन अर्थ को अगर हम एक वन यूनिट देखें और डाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई करते हो, हम ये नहीं कह रहे सारे देशों को खत्म कर दीजिए, लेकिन हम एक जैसे पाकिस्तान को देखें, सूबाई असेंबली भी है और एक क्या कहते हैं आप उसको, मरकजी असेंबली भी तो है ना आपकी, तो मरकजी और सूबाई में ये कि दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, वो साथ 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 पाकिस्तान का सीनेट और सिंध का सीनेट भी तो साथ साथ एग्जिस्ट कर सकता है। उसी तरीके से कि पूरी दुनिया को अगर एक जगह कहीं दुनिया के हिस्से में सन ज्यादा है, वहां पे बिजली हार्नेस करो, बिजली बनाओ और ग्रिड ऐसा बनाओ कि पूरी दुनिया को वहां से, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अगर हम अर्थ को तोड़ के देखेंगे तो आपके पास नहीं है पेट्रोल, ना आपके पास वो टेक्नोलॉजी है कि आप अपनी सूर्य से इतनी ज्यादा एबिलिटी से, इतनी एबिलिटी है या टेक्नोलॉजी आपके पास कि उससे बिजली बना के अपने लोगों को बिजली दे पाए, वो सब नहीं है आपके पास। तो आप अगर टूटे हुए रहेंगे तो आपको अर्थ का कुछ ही हिस्सा मिला है, उसमें जो लिमिटेड रिसोर्सेज आप वही उपयोग कर सकते हैं और वो उपयोग करने के लिए टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, सॉवरेनिटी के प्रिंसिपल को थोड़ा आगे जाए, इंटरडिपेंडेंस की तरफ जाए, इंटरकनेक्टनेस की तरफ जाए, तो फिर आप ये देखेंगे कि सूर्य तो एक है यार, वो तो पृथ्वी के सारे हिस्सों पे सेम तरीके से ही अपना जो पृथ्वी जितना जो ज्योग्राफिकल रियलिटीज है उसके साथ वो तो सबको एक समान सूर्य की रोशनी देता है। तो पॉइंट ये कि आप अगर उसको सऊदी अरेबिया, अफ्रीका, ये सब कंट्रीज में अगर बहुत ज़्यादा सन है, यहाँ पे आप प्रोडक्शन यूनिट लगाएं, यहाँ से बांटें, क्योंकि यहाँ पे तो एग्रीकल्चरल वो नहीं है लैंड। मान लीजिए पाकिस्तान में आपको अगर सोलर पैनल्स लगाने हैं तो आपके पास ज़मीन नहीं है और आपको अपने एग्रीकल्चर वाले एरिया में लगाना पड़ेगा, तो आपकी एग्रीकल्चरल ज़मीन बर्बाद होगी। लेकिन आप यही अगर देखें सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा मरुस्थल ही है, डिजर्ट है, उनके यहाँ नहीं है, वहाँ पे अगर वो लग जाएगा सोलर पैनल और एनर्जी आपको आ जाए, बिजली आपको आ जाए, तो क्या बुराई। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि यही है कि वन वर्ड